हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास ये डेड कंडीशन में सोनी का टीवी रिपेयर होने के लिए आया है। और यहाँ से देखिए, इसे यहाँ से करता हूँ ऑन। यहाँ पे हमारा देख सकते हो कोई इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है क्योंकि बिल्कुल डेड कंडीशन में है। अभी क्या करेंगे, इसे फटाफट से मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद यहाँ आपको सर्किट में क्या प्रॉब्लम है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इसको खोल लिया है। और खोलने के बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे इसे चेक करेंगे। यहाँ पे हमें दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फिल्टर है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज यहाँ पे 330 वोल्ट मिल रहा है। अभी हमें आगे चेक करना पड़ेगा, हमारा यहाँ पे 110 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है या नहीं। देख सकते हो यहाँ पे कोई वोल्टेज हमारा शो नहीं हो रहा है। देखिए, कोई भी वोल्ट हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे देखिए, बहुत ज़्यादा SMD कंपोनेंट लगे रहते हैं। यहाँ पे पावर सप्लाई बनाना इसमें दोस्तों मुश्किल ही है क्योंकि इसमें हम दूसरा पावर सप्लाई यहाँ पे ऐड करेंगे। इसे हम बाहर निकालेंगे। यहाँ से पहले पावर को हम ड्रॉप कर लेते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे ये वाला मॉड्यूल यहाँ पे इसे लगाएंगे, हाई तार वाला। इस यहाँ पे जो STR है उसे मैं निकलता हूँ। यहाँ पे एक बार दिखा दो, यहाँ पे जो STR लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। अभी फटाफट से इस STR को बाहर निकाल लेता हूँ। इस STR कुछ अलग प्रकार का है और सोनी में दोस्तों रिपेयरिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अभी यहाँ पे इसका हमें प्लस माइनस को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि STR में यहाँ पे कहीं हमें पता नहीं है। अभी यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, STR का नंबर F6267 इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पे देखिए, ऐसा हमारे पास नहीं है अवेलेबल। अभी हमें यहाँ पे दूसरा इसमें दोस्तों पावर सप्लाई इसमें बिठाएंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमारा 300 वोल्ट निकलेगा और कहाँ पे ग्राउंड निकलेगा। अभी यहाँ पे देखिए, मल्टीमीटर की मदद से यहाँ से हमारा जो 300 वोल्ट यहाँ पे आए, इस कोयल में इन होता है। और कोयल में इन होने के बाद ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकलता है और ये पॉइंट यहाँ पे, ये हमारा 300 वोल्ट यहाँ पे हो गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो। और ग्राउंड इसी तरह कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा है और यहाँ पे हम चेक करते हैं नहीं है। AP मीटर में दिखा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी नहीं है। देखिए, ग्राउंड यहाँ पे है, यहाँ पे फिक्स हमारा ग्राउंड यहाँ पे आएगा क्योंकि कभी कभी यहाँ पे बगल में रहता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, ये यहाँ पे है ग्राउंड हमारा। अभी सिंपल क्या करेंगे, इस सप्लाई को यहाँ से रेड वाला वायर है वो हम यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि दोस्तों सोनिक के सेट में ओरिजिनल पावर सप्लाई बनाना मुश्किल है। इसीलिए हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की है क्योंकि दूसरा पावर सप्लाई ही डाल दिया, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो आया था हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन इसमें नहीं बना था क्योंकि SMD रजिस्टर होते हैं इसमें।
यहाँ पे ग्राउंड को लगा देता हूँ और पीला वाला यहाँ पे। अभी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव 300 वोल्ट यहाँ पे हमारा आता है। ये रेड वाला वायर, ये ब्लैक वायर हमारा ग्राउंड के लिए, यहाँ पे जो ये वादली वाला है ये हमारा ग्राउंड के लिए, ये और यहाँ पे हमारा लगेगा पीला वाला वायर, वो हमारा जो डायोड 110 की सप्लाई जो निकलता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हम चेक करेंगे, पहले बल्ब लगा लेता हूँ। अभी सेट को ऑन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा रेड इंडिकेटर चलना चाहिए और यहाँ पे हमारा बल्ब भी चलना चाहिए। हमें पहले 110 वोल्ट चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ऑन करता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 110 वोल्ट आ चुका है और यहाँ पे बल्ब भी हमारा जल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो भी। और यहाँ पे टीवी में देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम ओके हुआ या नहीं। अभी यहाँ पे इसे निकाल लेता हूँ क्योंकि हमारा लोड में लगा हुआ है, हमारा सीरीज लैंप चल जा रहा है, इसीलिए यहाँ से हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। अभी मैं देख सकते हो यहाँ पे हमारा वोल्टेज 113 के करीब है और इस सप्लाई हमारी यहाँ पे कितनी बन रही है, 1 वोल्ट के करीब में बन रही है, 3.2। और हमारा पिक्चर भी दोस्तों यहाँ पे दिखा देता हूँ, आ चुका है यहाँ पे, देखिए। अभी आपको सही करके मैं सब कुछ इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सोनी का सेट आए, तो इस तरीके से आप पावर सप्लाई इसमें बिठा सकते हो। जो नए बंदे हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं, अभी क्या करूँगा मैं इसे सही से यहाँ पे फिट कर लूँगा पावर सप्लाई को और बाद में आपको दिखाता हूँ। अभी इसी तरीके से यहाँ पे पावर सप्लाई लगा लिया है और टीवी को यहाँ से ऑन करता हो और ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए आवाज़ हमारा आ चुका है। यहाँ पे हमारा ओके पिक्चर आ चुका है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।